इतने शब्द विश्वामित्र ने सुने श्री बोले वशिष्ठ जी ये तो तुम झूठ कह रहे हो, ऐसे तो गुरु चेलों की बड़ाई करते रहते पर जब परीक्षा ली जाती है ना तब सारा भेद आगे खुल जाता है। और विश्वामित्र वशिष्ठ को समझाए के बोले क्या बोले ऐसे तो गुरु चेलों की बड़ाई करते रहते हैं और जब परीक्षा ली जाती है ना तब सारा भेद आगे खुल जाता है। वशिष्ठ जी बोले विश्वामित्र अगर ऐसी बातें कर रहे हो तुम्हारे ऐसे वैसे चेला नहीं है, जा ले आ परीक्षा। विश्वामित्र बोले ले आए परीक्षा, जो लिया माता बहनाम विश्वामित्र आज परीक्षा लेवे के लिए चले हरिचंद की। और परीक्षा लेने के लिए जिस वक्त चले शुकर का वेश बना लिया और शुकर को वेश बना के कैसे चले घुमाई
पशुपर का देश बनाकर के काटने राजा हरिश्चंद्र की बगिया में, और बगिया में देखा बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। क्या देखा? हमारे पास में कांसू राजपूत जो इसी नगला मगासी के बसी है, हमारे पास में हाथ पहना करके गए, आकांक्षा करेंगे इसके देश की राजा को चलते रहे। मेरी आशा और आकांक्षा है जिस वक्त चले हैं। माता बहनों क्या देखा कि राजा रिचन की बगिया में पहुंचे, देखा माली सो रहा है, जाकर के विश्वामित्र ने सारी बगिया को विध्वंस कर दिया। और विध्वंस करने के बाद में और जैसे माली ने देखो बगिया विध्वंस से लाठी लेकर के आया गया वीर। और जैसे ही लाठी सूकर में मारी, सूकर ने अपनी चोट बचा करके माली की जंगा जैसे ही माली की जंगा को पाड़ा, माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ राजा रिचंद के पास में आया। महाराज, ओ महाराज, महाराज कौन हो? माली, ओ अरे कैसे रास्ते में आ रहे हो? महाराज हम तो मर डाले, फट डाले। क्या हो गया? महाराज तुम्हारी बगिया में कुछ सुपर हुआ हुआ। हाँ हाँ, बाने तुम्हारी बगिया में उसे खाई डालो। लाला ओ तो रो क्यों रहे हो? महाराज तुम्हारी बगिया को काम लो, खाओ हमारे वाले। हमारे भाई महाराज हमारी जंगा को काट डालो। लाला ओ अभी कौन सा वक्त है? शाम को। भागवत में विद्वानों ने लिख दिया कि शाम के वक्त में दुश्मन भी द्वार पर आ जाए उसे भी अवैधना देनी पड़ती है। अभी शाम का वक्त है, जाओ